हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मैं हूं अमित कश्यप और मैं अपने चैनल पर नॉलेजेबल और मज़ेदार वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं किस तरह की वीडियोस बनाता हूं वो आप ऊपर आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो ट्यूटोरियल है या फिर बोले क्विक ट्यूटोरियल है, ये इस चीज़ के लिए है कि आप अपनी फोटोग्राफ के अंदर पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जगह पर खड़े हैं और पीछे का बैकग्राउंड आप कुछ भी डाल सकते हैं। खड़े आप न्यू दिल्ली में हैं, बैकग्राउंड आप न्यूयॉर्क का लगा सकते हैं, जैसा कि आपको इन फोटोग्राफ्स में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसा कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपल तरीका है जिससे किया जा सकता है। मैं यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ करूँगा, जिसमें से पहली चीज़ है एक वेबसाइट जहाँ पर हम अपनी फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सिर्फ हटाएंगे, डिलीट करेंगे उसको। उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों remove.bg, और दूसरी जो ऐप है जिसका हम यूज़ करेंगे उस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। अगर आप इस ऐप से वाकिफ़ हैं तो दोस्तों फिर भी ये वाली वीडियो एक बार पूरी देखिएगा, सो दैट आपको पता चल सके कि बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। और जिन्होंने इस ऐप के बारे में नहीं सुना वो ये जान लीजिए कि ये जनरली बहुत मशहूर ऐप है बिटवीन द यूट्यूबर्स, क्योंकि हर कोई अपने यूट्यूब के थंबनेल इसी ऐप से बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए, आइए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल से ही आप किसी भी फोटोग्राफ का बैकग्राउंड हटा कैसे सकते हैं और उसकी जगह पे नया इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी गो अहेड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियोस की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, अगर आपका मूड नहीं है सब्सक्राइब करने का तो दोस्तों आप डाउन द लाइन अगर मेरी वीडियोस देखना चाहें तो #KIG कर अगर आप सर्च बार में डालेंगे यूट्यूब के तो आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए आइए दोस्तों आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब ये मोबाइल की स्क्रीन अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और दोस्तों, अब इस मोबाइल स्क्रीन को करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मैंने एक फोटोग्राफ ऑलरेडी खींच ली है जो आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अब ये फोटोग्राफ मोबाइल में है। अब हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन में ओपन करते हैं गूगल क्रोम। तो दोस्तों, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको जो वेबसाइट जानी है जो मैंने बताई थी remove.bg। तो दोस्तों ये देखिएगा, मैंने लिख लिया ऊपर remove.bg, इसको आप गो कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वेबसाइट का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का है जो आप देखेंगे, या ब्लू कलर का। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं इंटरफेस, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर का लिखा रहा है सिलेक्ट अ फोटो, तो दोस्तों ये फोटोग्राफ हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम वो फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो फोटोग्राफ यहाँ सबसे नीचे है, अभी आप रिसेंट खींची है। तो दोस्तों, ये वो वाली फोटोग्राफ रही, इस फोटोग्राफ को हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप देखिएगा जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड है उसको सर्च करके वो क्लियर कर देगी, ये देखिएगा। तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पे ये ओरिजिनल और नीचे जो है विदाउट बैकग्राउंड आ रही है। जो चेक्स बने हुए आप देख रहे हैं वाइट और ग्रे, इसका मीनिंग ये है कि उतना पोर्शन ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, ये डाउनलोड मैंने कर ली, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब मोबाइल को यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलते हैं पिक्सल लैब पे। तो दोस्तों, पिक्सल लैब ये एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है प्ले स्टोर से, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मैसेज कर लेते हैं, ये एक्चुअली इंटरफेस है पिक्सल लैब का। तो दोस्तों, ये वाला जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, इस इंटरफेस में हम क्या करेंगे, अब इंटरफेस में आप सबसे नीचे देखिएगा पांच ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें हम फोर्थ ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उस पर जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है कि ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप क्या करना चाहते हैं, रेड ग्रीन, वो एक अलग बात है जो अगर आप कलर्स उसमें कुछ रखना चाहें। हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट में राइट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम कैमरा के जस्ट साथ में, तो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रॉम गैलरी में अब जैसे मैंने ये यहाँ पे अब लाल किले की फोटोग्राफ आ रही है, वो लाल किले की फोटोग्राफ मैंने सिलेक्ट कर ली, ये टिक कर लिया। दोस्तों, अभी आप देखिएगा कि जो बैकग्राउंड है लाल किले टाइप हो गया। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर प्लस का बटन दबाएंगे और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जो हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं ये वाली फोटोग्राफ है दोस्तों, जो आप बैकग्राउंड ब्लैक सा देख रहे हैं ना, ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा और टिक कर देते हैं। तो आप देखिएगा ये ऐसे हमारा जो है और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम रख देंगे उसको, तो आप देखिएगा बैकग्राउंड इस बच्चे का इस तरह से आ गया कि पीछे लाल किला है और आगे बच्चा है। तो दोस्तों, अब अगर आप पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो सिर्फ बैकग्राउंड के यहाँ पे जो नीचे आप गैलरी जो हमने जहाँ से लगाया था बैकग्राउंड वहीं पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर दीजिए और नया बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। नया बैकग्राउंड सपोजिंगली न्यूयॉर्क का सेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो देखिएगा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और इसी तरह आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर लीजिए तो आपको लगेगा कि बहुत पास से फोटोग्राफ खींची हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।
सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। दोस्तों दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।